आदर्श परिवार की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में 10वीं एक्सरसाइज तक का रिवीजन है वो कंप्लीट कर चुके थे। यदि कुछ क्वेश्चंस रहे हैं तो मैं उन्हें नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका नाम है सड़क सुरक्षा। और आपको पता है स्टूडेंट्स, सड़क सुरक्षा से 4 नंबर के आपके प्रश्न आने हैं। ये 4 नंबर के प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। आपकी सड़क सुरक्षा के जो 4 नंबर के क्वेश्चन है वो एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं सेक्शन, जो 2 नंबर का है वो 1 क्वेश्चन आना है सेक्शन बी से, जो सेक्शन ए के एक एक नंबर के क्वेश्चन आने हैं उसकी संभावना है 9वां और 10वां क्वेश्चन है वो एक एक नंबर का सड़क सुरक्षा का होगा, और जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो सेक्शन बी का 15वां क्वेश्चन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी सड़क सुरक्षा के आपके पेपर में जो 30 जून को होना है, उसमें आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनके जो क्रम थे वो मैंने बताए। अब हम बात करते हैं कि 1 नंबर के किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो सड़क सुरक्षा की आवश्यकता हमें क्यों महसूस हुई, ये सिंपल सा कारण है कि आजकल जो लापरवाही के कारण सड़कों पे दुर्घटनाएं होती है, तो उनके कारण आप स्टूडेंट्स को जागरूकता के लिए सड़क सुरक्षा का जो टॉपिक है वो अहम टॉपिक अजमेर बोर्ड द्वारा आपके पाठ्यक्रम में लागू किया गया है। तो इसमें जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जाननी है वो है कि हमें गाड़ी चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसके अंतर्गत बताया कि हमें गाड़ी है वो शराब पी के नहीं चलानी चाहिए, गाड़ी स्पीड में चलानी चाहिए, गाड़ी का क्रम क्या होता है उस हिसाब से। तो सबसे पहले जो आवश्यकता होती है वो एक आपको भी पूछा जाता है कि सड़क सुरक्षा में कई बार है वो यातायात पे आपको लगाया जाता है बड़े बड़े शहरों में हरे रंग की, क्योंकि यातायात भारी हो जाता है, तो चौराहे पर जहाँ पे आपका सर्किल आता है वहाँ पे जो है वो रंगीन यातायात साधन यूज़ किए जाते हैं, लाल बत्ती ट्रैफिक की और हरी बत्ती और येलो कलर की, हिसाब से कई बत्तियाँ यूज़ की जाती है। तो वो किस आकृति की होती है, आपके ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आपको पता होनी चाहिए कि वो जो आकृतियाँ होती है वो जो लाइट होती है वो षटकोणीय आकृति की होती है, चाहे वो लाल रंग की हो चाहे हरे रंग की हो, वो सभी आकृतियाँ लाइटें वो षटकोणीय आकृति की होती है, षटकोण की आकृति की होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि लाइट जो लाल रंग की होती है वो हमें संकेत करती है कि आप रुक जाइए, जहाँ भी हैं वहाँ रुक जाइए, हरे रंग की हमें आगे चलने की है वो सूचना देती है। अब हम ये बात करेंगे कि सबसे पहले बात करेंगे कि सड़क सुरक्षा में सीसीटीवी का क्या यूज होता है, सीसीटीवी कैमरा सड़क सुरक्षा में कहाँ उपयोगी है। तो क्या होता है कि कई बार ऊंचे पोल पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाता है, इस पर आधारित क्वेश्चन भी हम करेंगे, उस पर आधारित क्या क्या समस्याएं होती है। तो सीसीटीवी कैमरा इसलिए योगदान महत्वपूर्ण है यातायात में, इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक तो वॉचिंग हो जाती है कि किस हिसाब से ट्रैफिक है वो चल रहा है, क्योंकि उसका कंट्रोल है वो रूम स्थापित किया जाता है, एक व्यक्ति या ऑपरेटर 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, तो वो ऑपरेट करते हुए देखता रहता है कि कहाँ पे यातायात की प्रॉब्लम है। तो एक तो सारे यातायात की जहाँ पे सर्किल पे लगा दिया जाता है सीसीटीवी कैमरा तो उससे पहचान हो जाती है। दूसरी, मान लो कि कभी भारी यातायात लग जाए तो जाम की स्थिति बन जाए, तो हम ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर द्वारा उस सीसीटीवी कैमरे से पहचान कर ली जाती है कि इस अमुक स्थान पे जाम ज़्यादा है, यहाँ की हमें सिग्नल है वो ग्रीन कर देना चाहिए। तो ये भी सीसीटीवी कैमरे का एक यूज़ है। एक और यूज़ होता है सीसीटीवी कैमरे का, मान लीजिए कि कहीं पे दुर्घटना घटित हो गई और वो यदि सीसीटीवी कैमरे में कैच हो गई तो हमें उस दुर्घटना के कारणों का एनालाइज करने का भी एक साधन मिलता है कि किसने सिग्नल तोड़ा, कौन अपराधी था, कौन जबरदस्ती, किसके अंदर किसने गाड़ी ठोक दी। तो ये इस प्रकार के कुछ उपयोग हैं वो सीसीटीवी कैमरे से हमें पूर्ण कर सकते हैं। एक और भी इसका सदुपयोग है कि सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग हो जाती है कि इस जगह पर ये दुर्घटना हुई, ये इस चालक की इस गलती के कारण हुई है, तो वो जो क्लिप होती है वो हम जनता में जागरूकता के लिए भी बांट सकते हैं कि ऐसी गलती इस ड्राइवर ने की तो इसके कारण इतना नुकसान हुआ, आप ऐसी गलती कभी ना करें। तो जागरूकता फैलाने के लिए सीसीटीवी कैमरा भी यूजफुल है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है पीयूसी का, ठीक है, पीयूसी यानी कि प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र, ये इसका पूरा नाम है। ये क्वेश्चन आपके हिंदी में और भी हो सकता है पूछा गया हो, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, अभी सामाजिक का भी पेपर आपका बाकी है तो हो सकता है उसमें पूछ ले पीयूसी का पूरा नाम, प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। पीयूसी है वो
क्यों जारी किया जाता है? ताकि कई वाहन होते हैं जिनसे अत्यधिक धुआं निकलता है और वो शहर का वातावरण है वो खराब करते हैं। तो एक ऐसी मशीन बनाई गई है जो कि आपके इंजन की क्षमता जानती है कि ये कितना धुआं उठा रही है। तो इस हिसाब से एक PUC बना जाता है कि आपके इंजन की जो क्षमता है धुआं पैदा करने की वो एक फिक्स लेवल से कम ही है। ये PUC उन्हीं ड्राइवरों को या उन्हीं वाहन चालकों को प्रदान किया जाता है जिनका इंजन प्रदूषण नहीं फैला रहा है। यदि उनका इंजन प्रदूषण फैला रहा होता तो उन्हें PUC नहीं जारी किया जाता, उनके इंजन की मरम्मत की जाती है या बदलवा दिया जाता है। तो ये PUC का काम है। नेक्स्ट हमारे एक क्वेश्चन आता है रुकने की दूरी, रोक दूरी समीकरण। ये बेहद इंपॉर्टेंट है और इस बार इस पर क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। रुकने की दूरी समीकरण, रोक दूरी समीकरण बोलते हैं इसे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब रोकने की दूरी समीकरण है, उसका फॉर्मूला मैं आपको लिखा रहा हूँ। रुकने की दूरी किसके बराबर होती है स्टूडेंट से? अवरोध दूरी प्लस प्रतिक्रिया दूरी। रुकने की जो समीकरण है वो समीकरण क्या है? अवरोध दूरी प्लस प्रतिक्रिया दूरी मिलके क्या बना देती है? रुकने की दूरी बनाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक नंबर का प्रश्न आने की इस पर इस बार बहुत ज़्यादा संभावना है। ये क्वेश्चन तो आपको हर हालत में आना चाहिए। तो रुकने की दूरी की क्या समीकरण है? रोकने की या रोक दूरी समीकरण क्या है? रुकने की दूरी बराबर अवरोध दूरी प्लस प्रतिक्रिया दूरी। आपकी स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये वाला PUC वाला मैंने पहले करवा दिया कि इसका क्या आंसर होगा। तो हमें क्या याद करनी है? रुकने की दूरी, यानी ये तो हमें याद करनी है। ये लीजिए रुकने की दूरी आ जाएगी सेम की सेम। क्या दे रखी है हमें? हमें दे रखी है प्रतिक्रिया दूरी, कितनी? 2 मीटर की। अवरोध दूरी कितनी है? 1 की। हमें करना क्या है? दोनों को जोड़ना है। तो अब तो आप जोड़ ही सकते हो, सिंपल सा इक्वेशन है। रुकने की दूरी बराबर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 1 + 2 यानी कि 3 मीटर हो जाएगी। ये जो क्वेश्चन है ये दोनों ही क्वेश्चन आपके 2018 के एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसीलिए उन्हीं क्वेश्चनों का आज मैं विश्लेषण करूंगा आपके सामने। तो ये क्वेश्चन है मैंने आपको करवाया है। अब इसमें कई बार रुकने की दूरी समीकरण, रुकने की दूरी भी पूछी जा सकती है अवरोध दूरी या फिर प्रतिक्रिया दूरी देके, ऐसी कंडीशन में हम घटा लेंगे। यदि रुकने की दूरी याद करनी है तो दोनों को जोड़ेंगे, अवरोध दूरी और प्रतिक्रिया दूरी को। और कई बार इसका विपरीत आ जाए, रुकने की दूरी हमें दी भी है तो जो भी एक और दी हुई अवरोध दूरी वो रुकने की दूरी में से घटा देंगे, या प्रतिक्रिया दूरी दी हुई अवरोध दूरी में से, सॉरी रुकने की दूरी समीकरण में से घटा देंगे, तो जो बच गई है वो ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे टोटल 3 व्यंजक हैं, ठीक है। यदि रुकने की दूरी ज्ञात करनी है तो इन 2 और 3 यानी अवरोध और प्रतिक्रिया को जोड़ना है, और यदि रुकने की दूरी दी हुई है तो जो एक और दी हुई है वो घटा के नेक्स्ट ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, आपको खुद हल करना है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये यातायात की लाल बत्ती आपको बताई दी, षटकोणीय आकृति की होती है या षटचतुर्भुजाकार होती है। रुकने की दूरी समीकरण ये भी मैंने पिछली बार बता दी, अभी पीछे बता के आया हूँ, यही है। रुकने की दूरी समीकरण क्या है? अवरोध दूरी प्लस प्रतिक्रिया दूरी। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स हम। अब इस पर CCTV कैमरे के क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं हम उस पर चर्चा करते हैं। CCTV कैमरा जब भी लगाया जाता है तो आपको पता है एक सीधे स्तंभ पर लगाया जाता है। मान लीजिए ये एक स्तंभ है या खंभा है, तो इसके ऊपर हम कोई CCTV कैमरा लगा देते हैं। इस प्रकार से कोई CCTV कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। प्रश्न क्या है? एक खंभे के आधार से 20 मीटर दूरी पर 8वीं एक्सरसाइज यानी ऊंचाई और दूरी वाली समीकरण, सॉरी ऊंचाई और दूरी वाली जो एक्सरसाइज है उसका मिक्सअप करके इस सड़क सुरक्षा में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ऊंचाई और दूरी वाले में मैंने आपको बताया था वेबसाइट पे हमारी www.adarshadarshad.com पे 8वीं एक्सरसाइज है वो आपकी डाली हुई है, आप जरूर देखिएगा उसको। तो जो आधार है वो कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? 20 मीटर दिया हुआ है। मान लीजिए ये खंभा है वो AB ऊंचाई का है और ये बिंदु C है यहाँ पे। ये कह रहा है आधार से 20 मीटर दूरी पर, तो मैंने बताया आधार से दूरी देर की है 20 मीटर की है। प्लेटफॉर्म के एक बिंदु से खंभे की चोटी पर लगे हुए कैमरे का, ये कैसा लिखा हुआ है? कैमरे का उन्नयन कोण है वो कितना है? 60 डिग्री। ये लीजिए स्टूडेंट्स, उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। हमें खंभे की ऊंचाई याद करनी है। जब भी लंब और आधार की बात हो तो आपको पता है टेन त्रिकोणमितीय अनुपात लगाया जाता है। चलते हैं हम इस त्रिभुज ABC में, कितना लगाना है? 10 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार AB बटा
बी सी टेन 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3 बराबर ए बी हमें ज्ञात करना है और बी सी का मान कितना है 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बी सी बराबर 20 अंडर रूट 3 मीटर प्राप्त हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन है वो 2019 के एग्जाम में आया हुआ है। तो वही क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं। तो सड़क सुरक्षा की आपकी हिचक है वो थोड़ी दूर हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर सड़क सुरक्षा करवाइए, तो इस वीडियो में आपको पीछे के सारे क्वेश्चन है वो मैंने करवाने की स्कीम बनाई है और आपके सामने हो रहे हैं इनके हल। अब हम चलते हैं कि इसमें और किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पिछले साल ही आया हुआ है, ये 2018 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में आया हुआ है और एक क्वेश्चन है वो सेम का सेम ऐसा ही 2019 में भी आया हुआ था, तो हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए। क्या कह रहा है पहले उसको पढ़ना है। ये कह रहा है कि कोई भी कार चालक है वो अपने चालक में बैठने का पहले किलोमीटर का किराया वो कितना लेता है, 5 रुपये लेता है। हमें समीकरण याद करनी है, जो जो दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख लेते हैं हम। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 5 रुपया। ये लीजिए प्रथम किलोमीटर का किराया लिख दिया मैंने 5 रुपया। ये कह रहा है कि उसके बाद में 3 रुपये, यानी उसके बाद प्रति किलोमीटर का किराया है, उसके बाद प्रति किलोमीटर का किराया 3 रुपया। यानी पहले किलोमीटर का तो लेता है 5 रुपया और उसके बाद में चाहे आप कितने ही किलोमीटर जाओ प्रत्येक किलोमीटर के 3 रुपये हैं, केवल पहले किलोमीटर के 5 रुपये हैं। हमें क्या ज्ञात करनी है, ये कह रहा है कि तय दूरी है वो एक्स किलोमीटर माननी है और किराया वाई रुपये मान के एक समीकरण लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप एक विशेष बात ध्यान रखना कि जो उसने दूरी है वो एक्स किलोमीटर तय की है, उस दूरी के x किलोमीटर में से पहले किलोमीटर का उसने 5 रुपये लिया है, उसके बाद में प्रत्येक किलोमीटर का 3 रुपये लिया है। और आपको पता है कि इस दूरी का गुणा किससे होगा, यदि हमें टोटल किराया ज्ञात करना है तो जो प्रति किलोमीटर का किराया है उससे होगा। यहाँ पे एक बात पहले से ही है, ठीक है, कि जो दूरी है वो कितनी है x किलोमीटर और किराया है वो कितना मानना है, वाई रुपये मानना है। तो हमें जब समीकरण बनानी है तो इन बातों को विशेष ध्यान रखना है। जो किराया वो पहले रहेगा, मान लो 50 रुपये, 60 रुपये, 60 रुपये। अब आया कैसे ये 60 रुपये वाई के बराबर में, कैसे, जब हम एक्स किलोमीटर को कितने से गुणा करेंगे, जितनी दूरी तय की है और जितने रुपए हैं प्रत्येक किलोमीटर के, कितने रुपए हैं स्टूडेंट से, 3x रुपये हैं, सॉरी 3 रुपये तो प्रत्येक किलोमीटर के हैं और एक्स किलोमीटर उसने दूरी तय की है 3x। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर यहाँ पे 5 रुपये लिए हैं तो इसका मतलब हुआ कि इस 5 रुपये में से 3 तो हमने 3x के साथ काउंट कर लिए, तो बच गए कितने, 2 रुपये एक्स्ट्रा बच गए। तो समीकरण क्या होगी, y बराबर 5 3x + 2। ठीक है, तो पहले किलोमीटर के जितने भी रुपए दिए हुए हैं वो एक्स्ट्रा में आए वो हम प्लस में लिख देंगे, तो ये इसकी समीकरण आएगी y बराबर 3x + 2। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेम का सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम किलोमीटर का 20 रुपये किराया है और इसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए 11 रुपये है और 15 किलोमीटर चलने का कुल किराया ज्ञात करना है। वो जो भी समीकरण बनाई थी y बराबर 3x + 2, उसमें 3 और 2 के मान बदल गए, बाकी सेम का सेम वही फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं इसको ज्ञात कर लेता हूँ, प्रथम किलोमीटर का किराया लिख लेता हूँ, कितना है 20 रुपया। इसके बाद प्रति किलोमीटर कितना है, 13 रुपये, 11 रुपये, ठीक है। यहां आप देखिएगा कि पहले किलोमीटर में इसने 9 रुपये एक्स्ट्रा लिया, यानी प्लस में 9 है वो आ जाएंगे। अब हमें क्या ज्ञात करना है, कुल किराया ज्ञात करना है, तो कुल दूरी लिख देता हूं मैं आपको, वैसे आपके सामने है ही, कुल दूरी कितनी है 15 किलोमीटर की है, यानी हमें जो किराया ज्ञात करना है वो किसके लिए ज्ञात करना है, 15 किलोमीटर के लिए ज्ञात करना है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बुद्धि विवेक का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को हल करना है, गलत नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट इसको पिछली बार गलत करके आ गए थे सिंपल से क्वेश्चन को। अब 15 किलोमीटर चला है और प्रत्येक किलोमीटर का उसने 11 रुपये दिया है, यानी कि उसका किराया कितना लगा, 11 × 15 तो सीधा सीधा लग गया, प्रत्येक किलोमीटर के 11 रुपये, 15 किलोमीटर दूरी तय की, यानी 11 × 15
प्लस पहले किलोमीटर का 9 रुपया एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि हमने 20 में से इसको तो काउंट कर ही लिया, 20 में से 11 काउंट कर चुके हमें 11 × 15 में, केवल 9 है वो हमने काउंट किया नहीं था, तो हम जोड़ लेंगे। तो 11 × 15 कितने होते हैं, 165 प्लस 9 यानी कि फाइनल आंसर आ जाएगा 174 रुपये। विशेष ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो गलत मत करके आना। अब इस पे जो एक और क्वेश्चन आता है समांतर श्रेणी का, वो आपको विशेष ध्यान से देखना है। नेक्स्ट 5-6 मिनट में मैं इस क्वेश्चन को करवाने वाला हूँ। ये कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी है वो 150 किलोमीटर है। ये जो क्वेश्चन है वो अब 2 नंबर के स्टार्ट होते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए, अब 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 और करवाने वाला हूँ मैं, तो ये आप ध्यान से देना। क्या दिया हुआ है, ए और बी के बीच की दूरी, तो मैं दूरी लिख देता हूँ सीधा ही, कितनी है 150 किलोमीटर। इसके मध्य 5 सिग्नल मिलते हैं, यानी जब ए से बी के बीच में जाते हैं तो उसे सिग्नल यानी कि ग्रीन और रेड वाले सिग्नल है वो 5 मिलते हैं, यानी 5 जगह उसे रुकना होगा। यदि कार की चाल है वो कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से, ये समान गति लिखा होना जरूरी होगा ही होगा, ये समान गति, ठीक है, तो चाल लिख लेते हैं हम। चाल कितनी है स्टूडेंट्स, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले आपको ये मान के चलना है कि ए और बी के बीच में कोई सिग्नल नहीं है, तो उसे कितना समय लगेगा, ठीक है, बिना सिग्नल के लगा समय, सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे, बिना सिग्नल के लगा समय यानी बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में लगा समय, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आप समझ गए होंगे, कितना लगेगा स्टूडेंट से, आपको पता ही है कि समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, इसलिए हम क्या करेंगे 150 में 60 का भाग लगाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 में 2 का भाग लगाएंगे और फिर कितना बच जाएगा स्टूडेंट से, 3 30 5 बार, यानी कि 2.5 आना है, अब 2.5 घंटे में हो गया 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है। और यदि आप मिनटों में लिखना चाहोगे तो आप इसको 150 मिनट भी लिख सकते हैं, हम मिनटों में ना करके मैं इसको घंटे में लिख रहा हूँ, और यदि मिनट में लिखोगे इसको लास्ट में जाके घंटे में बदल लेना, कितनी आएगी 2.5 घंटे, ठीक है, यानी 2.5 घंटा। अब 2.5 घंटे में कितने मिनट होती है, 2 घंटे में 120 होती है, तो 2.5 घंटे में हो गई टोटल 150 मिनट, ठीक है स्टूडेंट्स। आप चाहे 2 घंटा 30 मिनट लिखो या फिर 150 मिनट लिखो, एक ही बात है। अब हम आगे चलते हैं, सिग्नल पे जब भी कार सिग्नल पे रुकेगी तो एक निश्चित गैप से रुकेगी, ये एकदम जरूरी है, ऐसे नहीं है कि पहले सिग्नल पे 1 मिनट, दूसरे सिग्नल पे 2 मिनट, तीसरे सिग्नल पे 5 मिनट, चौथे सिग्नल पे 2 मिनट, ऐसे कभी नहीं होगा, वरना तो सवाल हो ही नहीं पाएगा। यदि ऐसी कंडीशन हो भी जाए तो याद रखना कि वो प्रत्येक सिग्नल के आपको मिनट देगा, 5 है तो 5 के 5 देगा, फिर आप उनको जोड़ लेना सीधा का सीधा, यदि नहीं देगा तो निश्चित रूप से समांतर श्रेणी ही बनेगी। यहाँ पे देखिए 5 सिग्नल में से उसने क्या बताया, प्रथम द्वितीय और सीधा डॉट 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 करके 5वां लिख दिया, यानी पहले सिग्नल पे 1 मिनट, दूसरे सिग्नल पे 2 मिनट और 5वें सिग्नल पे 5 मिनट, तो हमें पता चल गया कि 5 सिग्नलों पर रुकने की जो उसकी समय है वो एक समांतर श्रेणी में है। 5 सिग्नलों पर रुकने की समांतर श्रेणी, मैं ए पे लिख रहा हूँ सीधी, क्या है स्टूडेंट्स, 1 2 डॉट डॉट यानी सो ऑन 5 तक, 1, 2, 5, तो यहाँ से हमें पता चल गया समांतर श्रेणी में क्या क्या होता है स्टूडेंट्स, एक होता है ए, ए बराबर एक है यहाँ पे, डी होता है 2 - 1 यानी कि 2 - 1 बराबर एक है यहाँ पे, ठीक है, एन बराबर 5, 5 सिग्नल हमें दिए हुए हैं, हमें ये ज्ञात करना है कि टोटल 5 सिग्नलों पे वो कितनी देर रुका। यहाँ पे तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, कई बार बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, तो कुल समय हमें क्या ज्ञात करना है, 5 सिग्नलों पर रुकने का कुल समय यानी कि एस एन। अब आपको एस एन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 5वीं एक्सरसाइज वाला ही फॉर्मूला है, क्या होता है स्टूडेंट्स, एस एन बराबर एन बटा 2, 2a + n - 1 × d, यहाँ पे n है सिग्नलों की संख्या यानी 5, 2 गुणा पहले सिग्नल पर 1 मिनट प्लस n माइनस 1 यानी कि 5 - 1 गुणा d, और d कितना था हमने देखा है, 1 मिनट का गैप है, तो कितना जाएगा 5/2, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस 4, 5 में से 4 घटा लेंगे 1, 4 × 1 तो कितना बचा 5/2, 2 प्लस
चार, यानी कि 5/2 × 6, तो ये कितनी बार कट जाएगा स्टूडेंट्स? 3 बार कट जाएगा, यानी कि 15 मिनट बचेंगे। वैसे तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, हम सीधे जोड़ लेते, लेकिन ये SN7 ने इसलिए सिखाया कि बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है। एक और दो, पहले दो सिग्नलों पे 3 मिनट, दूसरी सिग्नल तीसरे पे 3 मिनट यानी 6, फिर 4 यानी 10, फिर 5वें पे 5 यानी 15, तो 15 मिनट आ ही गए। अब हमें ए से बी तक सिग्नल सहित कुल समय लगेगा वही क्वेश्चन में ज्ञात करना था। ये देखिए, ए से बी तक कार को पहुंचने में लगा कुल समय ज्ञात करो, यानी सिग्नल सहित कुल समय ज्ञात करना है। सिग्नल सहित कुल समय यानी ए से बी तक पहुंचने में लगा कुल समय कितना होगा? पहले जितना लगा बिना सिग्नल के 150, अब सिग्नल सहित 15 यानी कि 165 मिनट लग जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आप 165 मिनट भी लिख सकते हैं, या फिर 2 घंटा और कितने मिनट हो गए? 45 मिनट हो गए, 2 घंटा और 45 मिनट। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। यदि आप 165 लिखते हो तो भी सही है, वरना 2 घंटे 45 मिनट लिखते हो तो भी सही है। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चन है वो है सीसीटीवी कैमरे का। ठीक है, अब सीसीटीवी कैमरे पे किस प्रकार की कंडीशन बनती है ये आप विशेष ध्यान रखना। इसमें 2 प्रकार की कंडीशन बनती है। मान लीजिए ये एक एबी पोल है और इसके शीर्ष पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैमरा लगता है ना, तो उसमें यहाँ मान लीजिए यहाँ पे कैमरा लगा है तो इसकी कुछ ना कुछ रेंज होती है। ठीक है, वो रेंज है ना वो 2 प्रकार से होती है। एक तो होती है आगे तक, ठीक है, और एक होती है से आगे, या ऐसे मान लो एक तो रेंज होती है तक और एक रेंज होती है आगे तक। ये 2 प्रकार की रेंज होती है कैमरे की। आपके जो इस सिलेबस में क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके अनुसार 2 प्रकार की कैमरे की रेंज होगी क्वेश्चन में, या तो होगी तक या होगी आगे तक। जैसे मान लीजिए आपको कह दे कि एक कैमरा है वो 20 मीटर दूरी तक देखता है, और एक कह दे कि एक कैमरा 20 मीटर से आगे तक देखता है, तो 2 प्रकार की रेंज है इस कैमरे की। और 2 ही प्रकार के दर्शनीय क्षेत्रफल, 2 ही प्रकार के क्षेत्रफल बनता है। एक तो कैमरा कितना क्षेत्रफल देखता है उसे तो बोलते हैं, या कितना क्षेत्रफल कवर करता है उसे तो बोलते हैं दर्शनीय क्षेत्रफल, और एक होता है कितना कैमरा नहीं देख पाता। जैसे मान लो मैं जहाँ खड़ा हूँ एकदम मेरे सिर पर कैमरा लगाओ, तो कुछ ऐसा क्षेत्रफल होगा, जैसे मान लो मैं उसके एग्जैक्ट नीचे हो जाऊं तो वो मुझे कैच नहीं कर पाएगा, तो कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जो वह कवर नहीं कर पाता, उसे बोलते हैं अदृश्य क्षेत्रफल। यानी हमें यहाँ पे 2 प्रकार के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं, एक तो दृश्य क्षेत्रफल और एक अदृश्य क्षेत्रफल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दोनों ही में आपको याद रखना है, जैसे ही आपको ये दोनों ही ज्ञात करने हैं फॉर्मूला में दोनों में ही पाई आर स्क्वायर लेना है। ठीक है, दोनों में ही क्या लेना है स्टूडेंट से? पाई आर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है वो काम लेना है। मैं दोनों की सारणी लिखा रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों में से एक क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आगे तक और तक में लिखा रहा हूं मैं, दोनों में ही हमें दृश्य क्षेत्रफल और अदृश्य क्षेत्रफल ज्ञात करना पूछेगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल तो वही काम आएगा, दोनों में ही पाई आर स्क्वायर आएगा। यहां पे भी दर्शनीय में क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर, और यहां पे अदर्शनीय है उसमें भी क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर। फिर दोनों में डिफरेंस किसका है? दोनों में डिफरेंस होगा त्रिज्या का। ठीक है, अब ये कह दे कि हमारा जो कैमरा है वो क्या करता है, 20 मीटर तक ही देखता है, 20 मीटर तक ही देखता है, तो ऐसी कंडीशन में आर है वो क्या बन जाएगी? एक त्रिभुज बनेगा, उसका आधार बन जाएगी। और अदृश्य इसका पूछता भी नहीं है, तक वाले में अदृश्य पूछता नहीं है, यदि पूछ भी ले तो आर है वो क्या बन जाएगी स्टूडेंट से? करण बन जाएगी। ये तो हो गया तक वाले में। एक आपको कह दे कि 20 मीटर से आगे तक, तो ऐसी कंडीशन में दृश्य में जो आर है वो क्या बनेगा? करण। ठीक है, और अदृश्य में आर है वो क्या बनेगा? आधार बनेगा। यानी ये दोनों कंडीशन एक दूसरे के विपरीत हैं। आपको क्वेश्चन में ये चेक करना है कि पर्सन में तक का पूछा है या आगे तक का पूछा है। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये कह रहा है 24 मीटर ऊंचे पोल पर सीसीटीवी कैमरा लगा है और यह 25 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे भी,
आगे भी पूछ रखा है और अदृष्टनीय वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले मैं इसका चित्र बनाता हूँ, 24 मीटर है और दूरदृष्टि रेखा जो भी कहे ना आप समझ लेना कि दूरदृष्टि रेखा का मतलब होता है करण। यही होती है हमेशा ही दूरदृष्टि रेखा शब्द जहाँ आ जाए ना आपको उसे करण समझना है, और खंबे की ऊंचाई शब्द है उसको हमेशा ही क्या समझना है, लंब समझना है, और आधार से दूरी है उसको क्या समझना है, आधार समझना है। आधार से दूरी या पाद बिंदु से दूरी है उसको क्या समझना है, आधार समझना है। तो हमें 24 और 25 दी हुई थी, हमें अदृष्टनीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था और दिया हुआ क्या था, आगे तक है। आप फिर से देखिए कैमरा कहां तक देख रहा है, के आगे भी, आगे तक बोल दो या के आगे भी, आगे तक बोल सकते हैं या के आगे भी, एक ही बात है, ठीक है। तो हमें के आगे भी में अदृष्टनीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो अदृष्टनीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर होगा, पाई का मान 3.14 गुणा। अब अदृष्टनीय क्षेत्रफल में हमें आर क्या लेनी है, आपको ध्यान होना चाहिए कि आगे भी में आर क्या होगी, आर होगी आधार के बराबर होगी, ठीक है। तो पहले मैं इसका आर आधार ज्ञात कर लेता हूं, यदि ए बी सी ये एक त्रिभुज है तो इसमें आधार क्या होगा, बी सी। आपको पता है कि आधार का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण की स्क्वायर माइनस लंब की स्क्वायर, यानी 25 की स्क्वायर माइनस 24 की स्क्वायर, 625 माइनस 576 अनुरूप 49 यानी कि 7 मीटर आ जाएगी ये, ठीक है। जब भी आर यदि 7 की गुणांक है तो पाई का मान हमें क्या लेना है, 22/7 लेना है। तो अदृष्टनीय क्षेत्रफल आ रहा है, फाइनल आंसर कितना जाएगा स्टूडेंट से, पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 गुणा आर कितनी प्राप्त हुई, 7 × 7, तो फाइनल आंसर आ गया 154 मीटर स्क्वायर। आगे भी में अदृष्टनीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था, आर हमने क्या यूज की, आधार। यदि इसी प्रश्न में हमें दृष्टनीय पूछता, पूछा नहीं है, मैं इसका भी आपको हल कर देता हूँ, दृष्टनीय क्षेत्रफल यदि पूछता तो इसका आंसर ये होता, पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणा, इस कंडीशन में आर क्या लेते हम, कर्ण को लेते, ठीक है, दृष्टनीय क्षेत्रफल आगे भी में। तो आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा, 22 × 625/7 जो भी आएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आगे भी वाला। अब मान लो सेम का सेम यही क्वेश्चन किस में आता, सेम का सेम यही क्वेश्चन तक में आ जाता, ठीक है। यानी मैं इस क्वेश्चन को ऐसे चेंज कर देता हूं, ये क्वेश्चन है वो ऐसे आ जाए, आगे आगे को हटा दूं मैं और रेखा तक देख सकता है, सीधा ही बोल दूं मैं रेखा तक देख सकता है। तो 2 मिनट में हम इस क्वेश्चन को हल कर देते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं कि इस कंडीशन में क्या होगा, तक वाली कंडीशन में, ठीक है। तो दृष्टनीय क्षेत्रफल क्या बनता है ऐसी कंडीशन में, आपको पता है कि दृष्टनीय क्षेत्रफल में आर क्या लेनी होती है, आधार लेनी होती है। इस कंडीशन में लगभग ऐसी कंडीशन में केवल क्या पूछता है हमें, आधार ही पूछता है। तो आधार हमें पता, दृष्टनीय क्षेत्रफल ही पूछता है तो आधार हमें पता चल गया, 22/7 गुणा 7 × 7 हो जाता, 7 से 7 कट जाता, यानी कि 154 मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों में फर्क है, इसमें दृष्टनीय क्षेत्रफल 154 है और उसमें अदृष्टनीय क्षेत्रफल 154 था। आगे तक और तक वाला कंडीशन का क्वेश्चन करा दिया मैंने, इसका अदृष्टनीय पूछ ले तो आर है वो करण लेके हम ज्ञात कर सकते हैं। वैसे इसमें पूछता नहीं है, पूछ भी ले तो अदृष्टनीय क्षेत्रफल में आर है वो करण लेते हुए ज्ञात कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज मैंने आपको जितने क्वेश्चन कराए हैं उनकी नोट्स के रूप में पीडीएफ में मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, आप इस नोट्स और पीडीएफ को भी नोट कर लेना, क्योंकि कई स्टूडेंट्स की ज़्यादा ही डिमांड आ रही थी, वो ये कह रहे थे कि हमें सड़क सुरक्षा आती नहीं है। तो आपकी आसानी के लिए मैं ये जो मैं बोर्ड पे लिखा हूँ आपको भेज रहा हूँ, आप इनको विशेष रूप से ध्यान में रखना और अपनी कॉपी में प्रैक्टिस के लिए नोट कर लेना, और ऐसे क्वेश्चन आपको और जो भी मिले बोर्ड एग्ज़ाम में वहाँ से आप उठा के और इनको हल करते रहिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको सड़क सुरक्षा के सभी क्वेश्चन है वो कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके कुछ और भी क्वेश्चन रहेंगे तो मैं ज़रूर करवाने वाला हूँ। धन्यवाद स्टूडेंट्स।